लखनऊ वाले ध्यान दें, 30 अगस्त तक जुलूस धरना प्रदर्शन, सब पर रोक, धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। शिवरात्रि, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज और नाग पंचमी सहित प्रवेश परीक्षा व प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। इस बार लखनऊ में धारा 144 को 2 महीने के लिए लगाया गया है। 2 जुलाई के दिन रविवार से शुरू होकर 30 अगस्त तक राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू रहेगी। इस तरह अब 30 अगस्त तक बिना इजाजत के किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल इस बार सावन 4 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है, साथ ही 16 जुलाई को श्रवण शिवरात्रि भी है, 29 जुलाई को मुहर्रम और अगले महीने की 15 तारीख को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पड़ रहा है। इसके साथ ही 19 अगस्त को हरियाली तीज और 21 अगस्त को नाग पंचमी होनी है। इसके साथ ही लखनऊ में आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और किसान संगठन समेत अन्य प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन से शांति भंग न हो, इसको लेकर राजधानी में धारा 144 लगा दी गई है। लखनऊ पुलिस द्वारा जारी किए गए धारा 144 के संबंध में आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। यूपी सरकार के इस फैसले पर जनता ने उन लोगों को ट्रोल किया जो अनभक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं। जनता का क्या रिएक्शन है, आइए बताते हैं। रिजवान हैदर नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया, अब कहाँ गए वो कौम के ठेकेदार, कहाँ गई लखनऊ की वो जमात जो अल्पसंख्यकों को इस हुकूमत के फायदे गिनाती नहीं थकती थी। मुहर्रम के ठीक 15 दिन पहले धारा 144 की सौगात, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। 1 महीने का सावन है, पूरे प्रदेश में कांवड़ियों के झुंड के लिए सारी सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं, सारी गोश्त की दुकानें बंद कर दी गई हैं। सैकड़ों को ये कहकर जेल में ठूस दिया गया कि वो गोश्त काट सकते हैं। शिया समुदाय में खुलकर RSS का सपोर्ट किया था, अब भुगते। एक और ने लिखा, कहाँ गए वो शिया धर्म गुरु जो दिन रात BJP की तारीफ करते नहीं थकते, कहाँ गए शिया नेता मुख्तार अब्बास नकवी, निधत अकबी दिन रात BJP करते नहीं थकते, अब बोलो हमारे शिया भाई को वोट तो BJP को दिलाते हो, अब बोलो। और ज्यादातर शिया ही हैं BJP में जो TV में जाकर मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं। एक और ने लिखा, कांवड़ यात्रा वालों के लिए 1 से 1 ट्रीटमेंट और मुहर्रम से पहले जुलूस बैन, योगी सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाती रहें।